प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के बाद उन्होंने केंद्र में सरकार तो बना ली, लेकिन उन बहुमत से दूर रहने की वजह से उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीए पर निर्भर रहना पड़ा। बता दें कि इन दलों में सबसे बड़ी पार्टी तड़प है, जिसकी 16 सांसद हैं। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में सत्ता में वापसी की है और वहाँ चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि उनके सरकार में बीजेपी की साझेदारी भी रहेगी। उन बहुमत की बात करें तो तड़प ने अपने दम पर उन बहुमत हासिल किया है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा असहज हो सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मंत्रिमंडल के शपथ के साथ एनडीए सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार बनने के बाद सभी के लिए जो सबसे जरूरी मुद्दा होगा वह होगा मुस्लिम आरक्षण। गौरतलब है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के लिए हमेशा कुछ न कुछ अलग जरूर करती है। लोकसभा चुनाव की तरफ गौर करें तो भाजपा और भाजपा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण पर खुलकर बात की थी। हालांकि टीडीपी की अपनी राय होती है सरकार बनाने का। इसके दौरान टीडीपी ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछले समुदायों को, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, उसे गरीबों से निपटने के लिए लाभ मिलना ही चाहिए और यह जारी रहेगा। बता दें कि टीडीपी कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से मिला नहीं पा रही है, जिसकी वजह से टीडीपी तनाव के मूड में है। टीडीपी नेताओं का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा की दरकार है। फिलहाल टीडीपी सरकार की प्राथमिकता केंद्र से ज्यादा वित्तीय मदद हासिल करना होगा। राजधानी अमरावती के विकास और निवेश योजनाओं को लेकर टीडीपी केंद्र से सहयोग चाहती है। टीडीपी स्पेशल स्टेटस पर तुरंत जोर नहीं डालेगी, लेकिन यह मुद्दा भी उनके एजेंडे में रहेगा।